हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई समय हो रहा है 8:58। आप सोच रहे होंगे मैं कंबल ओढ़ के क्यों बैठा भाई ऐसे मौसम में। सुबह मुझे बिना अलार्म के 6 बजे बहुत शानदार नींद खुल गई। मैं गया बाथरूम करने के लिए, बाहर भाई मुंह हाथ धोया, उसके बाद तो ऐसे 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 से कांपने लगा। पंखे भी ठंडे लग रहे थे, मौसम भी ठंडा लग रहा था। फिर मैं गया अलमारी से यह कंबल निकाला, आया पट से सो गया भाई। अब उठा हूँ 5 मिनट पहले, बहुत खतरनाक ठंडी पड़ने लगी यार। ऐसा लग रहा है हम जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी भी ये ओढ़े रहो, इतना अच्छा लग रहा है। कंबल ना होता तो भाई ऐसे 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 करते करते ना मेरे से कुल्फी बन जाती। और ये कंबल मैं हमेशा इस कमरे में सामने रखता हूँ, बिल्कुल दो खोलियाँ, जब जरूरत हो ओढ़ लो। और आज बहुत जरूरी काम ना होता ना तो भाई मैं तो बिस्तर से उठने वाला नहीं था, पर आज बहुत जरूरी काम है, जाना है, इसलिए उठ गए हैं। अब चाय पानी पीते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। घर के कोई काम नहीं किए, सीधे नहा धोकर हो गए हैं तैयार। और सुबह भी ठंडी लग रही थी और अभी भी ठंडी लग रही है। मोबाइल हिल रहा होगा आपको समझ में आ जाएगा, पूरे शरीर में मेरे को दलदला के ठंडी लग रही है, बुखार है, नाक बह रही है और शीत की प्रॉब्लम लग रही मुझे। फिर भी मैं भाई जा रहा हूँ क्योंकि आज है ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम। जिला प्रशासन द्वारा बहुत मेगा स्तर पर बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप करवाया जा रहा है भाई। शहर के 12 अलग अलग स्पॉटों पे हम जाएंगे मानस भवन में। मानस भवन में देखो कितनी देर में टिक पा रहा हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता ना, मुझसे चलते बंदा है ना बोलते बंदा, ऐसे जवान देखो फंस रही है और हाथ ऐसा 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 शेक हो रहा है। बड़ी टाइट पकड़ा हूँ तो जाके मोबाइल मैं बना पा रहा हूँ। तो भाई मम्मी जी ने बना दी है ओट, ये देखो ठीक है, शानदार रोड बन गया है। ये हमारा सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता। डॉक्टर साहब ने पूछा है तो बोले भाई फलाना वाली गोली दुकान से खरीद के खा लो, थोड़ा आराम हो जाएगा। पर दुकान पहुँचे तो, क्योंकि भाई साहब बोले तू मत जा, मैं नहीं जाऊँगा, आप नहीं जाओगे, बहुत काम अटक जाएगा, चलते हैं, जितनी देर रुकते बनेगा उतनी देर रुकेंगे और फिर आ जाएंगे। ओट खाने के लिए बैठा, मात्र आधी आधी चम्मच ओट खाया हूँ, अंदर से लग रहे से वॉमिटिंग हो जाएगी भाई। भैया बोल रहे हैं बाहर जाओगे कहीं गाड़ी वाड़ी से गिर गए ना, और जहाँ स्पॉट पे जाओ वहाँ परेशानी हो गई तो क्या दिक्कत है, ना घर ना बीच में लटके रहेंगे। भाई साहब बोले काम कर, सर्दी सरदर्द की बुखार की गोली रखी थी मैंने, खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए। सफ़ेद शर्ट उतारता हूँ, भाई साहब चले जाएंगे और आ जाएंगे। अब मुझे आंगन में जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, मैं ही सो जाऊंगा भाई पट्टे से, पर कंबल ओढ़ के सोऊंगा, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही भाई। गाइस मैं घर आ गया हूँ और घर आने के बाद अभी समय हो रहा 7:05 कम, शाम के 7:05 कम। और भाई को सुबह दवाई दे के चला गया था, इन्होंने दवाई खा ली, अब इसका हाल चाल पूछते हैं। अम्मी कैसी तबीयत है इसकी, अब ठीक है? बुखार तो थोड़ा कम हुआ है पर तबीयत तभी सही, कमजोरी बहुत ज्यादा है। खाना वाना खा लिया इसने, थोड़ी सी दस दवाई खा लिया था दूसरे टाइम की। अब हल्का लग रहा है क्या भैया? हल्का लग रहा है उनेश। ए भाई उठ जा, उठा 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 उठा। कैसा लग रहा है? ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, नहीं तो उल्टी वगैरह आराम हो गया? उल्टी तो नहीं भाई, उसके बाद में हाँ गर्मी बहुत लग रही है। अब गर्मी आएगी तब तो तुम्हारा पसीना उतरेगा ना यार, बुखार उतरेगा, गर्मी लगेगी तो। गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, मतलब बुखार उतर गया इसका कम्प्लीटली? नहीं नहीं अरे ढक के रखो, ढक के रखो, ढक के रखो। गर्मी लग रही है सुबह की अपेक्षा, उल्टी नहीं भाई जब से हुआ, बुखार भी उतरा है। इतना चावल खाया था मैंने। चलो अब तुम आराम ही करो, शांति से दूसरे टाइम की दवाई खाओ। चढ़ जाता है ना तो पूरा शरीर टूट जाता है। अरे मम्मी वायरल हो रहा सब पता, कि वो डॉक्टर बोल रहा था जहाँ देखो जिसको देखो उसको यही प्रॉब्लम हो रही है, उल्टी दस्त और कहना चाहिए बुखार और बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। बहुत वो मौसम खराब है ना, अभी ठीक लग रहा पहले से, सुबह तो देख भी नहीं रहा था। सुबह तो तुम्हारी हालत देख के हम घबरा गए, हमने कहा तुम साथ में जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो भैया गाड़ी में लेके क्या कहीं पीछे गिर और जाए, बहुत दिक्कत हो जाती। मैं कोशिश कर रही थी। अच्छा उठोगे, चलो आ जाओ। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं चले जाऊं पर आखिरी में देखना बंद हो गया था मेरे को, तो यहीं डरा तो सुबह से आँख में दिख नहीं रहा था बुखार। हाँ कमजोरी के मारे नहीं होता ना एकदम से। चलो तुम एक काम करो, तुम चित लेट जाओ, लेट जाओ, लेटो चलना है। उसके बाद उल्टी आई
उसके अंदर यही आके गिर गया, मेरे को होश ही नहीं, मैं दवाई कब डाल दी कब थी कुछ नहीं समझ में आया। तो तेज बुखार, बुखार बहुत तेज था भाई, सुबह का हो गया था मेरे को, बहुत तेज बुखार था। अब बुखार तो उतर गया, उल्टी भी नहीं भाई है जब से, पर अब शरीर टूट जाता है ना बुखार, अब एकदम से कमजोरी लगती है ना, ठंडी मार के उसको बुखार आया हुआ था। चलो तुम आराम करो, बाद में बात करेंगे हम। अभी जाके मुंह हाथ धोया हूँ तो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है यार, पूरा पसीना पसीना सा हो गया था मेरे को, अजीब टाइप का बुखार उतर चुका है, अपने ही पसीने से बदबू आने लगी थी भाई गर्मी से। तो अभी थोड़ा सा मुंह हाथ धोया हूँ जाके, थोड़ा सा फील गुड, अच्छा सा लग रहा है, कुछ लग रहा, खाना खा लो खाना खा लो। इनकी इच्छा फूट रही है कि हमको पॉपकॉर्न खिला दो, इनके लिए थोड़ा सा पॉपकॉर्न बना दो। देखो यार ये पॉपकॉर्न भूज रहा है, ठीक है, ये रखा दाना ये है, और बोले थोड़ा थोड़ा पॉपकॉर्न भूजो तो क्या कुछ नमक टाइप का जाएगा तो अच्छा सा लगेगा, बाकी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो यही ठीक रहेगा। देखो हमारे पॉपकॉर्न के दाने बढ़िया तैर रहे हैं तेल में, बहुत शानदार खुशबू आ रही है, अब ये खटखट खटखट फूटेंगे बहुत शानदार, क्या ये अच्छा लगेगा खाने में। हल्का से एक चुटकी नमक डलवा दिया हूँ तो कुछ नमकीन भी जाएगा और सूखा सूखा भी रहेगा तो एकदम से हैवी नहीं होगा, ये ठीक है। देखो यार पॉपकॉर्न फूटना चालू हो गए हैं और आवाज़ आपको आ रही होगी ऐसी, है ना, बढ़िया पट 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 पट, अब ये दिखेगा जब खाली अलग होगी पूरी तब जिसमें मुझे दिखना ही बंद हो गया था बुखार से। मैं बुखार चढ़ता था उतर जाता था कई बार, तो भाई आज का बुखार बहुत डेंजर था, और अभी भी मेरे को यहाँ बैठने में बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत कमजोरी लग रही है। चल के मैं पॉपकॉर्न ना बिस्तरी पे लेट के खाऊंगा यार, बैठते नहीं बना मैं, जोश जोश में आके यहाँ पे आ गया वीकनेस टाइप की लग रही। चलो चलते बिस्तरी पे लेटेंगे यार, चलो चलो भैया ले आना, ठीक है ले आना। अभी मैंने अपना बीपी नापा है, उल्टी उल्टी टाइप का फिर होने लगा था, अभी मैंने बीपी नापा तो 94-69 है, मेरा बीपी ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, मेरा ये पाँव अकड़ गया है, भाई पैर मोड़ ही नहीं रहा इसका तो, पालती नहीं मार रही, ये देखो ये आ ये देखो फैलाई लो तो नहीं फैल रहा, मम्मी फैल भी नहीं रहा है और बटन नीचे तो इससे ज्यादा मैं नहीं फैला पाऊंगा, सीधा नहीं हो रहा है मेरा पाँव। समय हो रहा है 11:30, अब थोड़ा सा इच्छा हुई है खाने की, तबीयत थोड़ा सा नॉर्मली लगने लगी है, तो भाई मैंने थाली निकलवा ली है, दो पराठे और बैंगन की सब्जी, अब ये दो पराठे भी खप जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए दो ही लिए हैं। चलते हैं, भाई साहब को बुलाते कि थाली वहां तक पहुंचा दो, क्योंकि पाँव से चलते नहीं बन रहा है, बड़ी मुश्किल से यहां तक आया हूं। अब क्या बिस्तर पर बैठे बैठे भी ना बिल्कुल अजीब टाइप का लग रहा है, तो बड़े लंगड़ाते लंगड़ाते किचन तक आया हूं, अब भाई साहब को बुलाता हूं कि थाली ले जाओ, भैया थाली ले चलो। भाई पाँव बहुत ज्यादा अकड़ गया है, अब मेरे को जाना है बाथरूम, अब मेरी हालत देखो खतरनाक तरीके की हो चुकी है, बाप रे पूरा पैर अकड़ गया यार इसके तो वाकई में। अब बाथरूम भी ना बार बार आ रही बुखार में, हाँ बुखार में बाथरूम लगती है ज्यादा, आराम से भाई आराम से, रुक जा पकड़ ले रहा हूँ मैं, नहीं मैं होगा काम, चला जाएगा हाँ। आऊं साथ में, नहीं धीरे धीरे हो जाऊंगा भाई, बहुत दिक्कत है। ए गाइस हो गई है बहुत रात, मैंने दवाई भी खा ली है, आ रही है बहुत गजब की नींद, ब्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।